जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण, स्वागत करता हूँ आप सभी का इनविंसिबल पायनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ लेक्चर से चर्चा कर रहे थे। उसमें भी हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पिछले नौ दस लेक्चर से चर्चा कर रहे थे। आज भी हमारी चर्चा का विषय दोस्तों संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ही रहने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे 1935 के भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के चर्चा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, ये जो अधिनियम है ये 1 अप्रैल 1937 को लागू होता है। लिखने में ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये अधिनियम 1935 को लागू हुआ होगा, लेकिन अधिनियम 1935 का है लेकिन लागू 1 अप्रैल 1937 को होता है। तो पहला पॉइंट ये हुआ दोस्तों हमारा, ये अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू होता है। 1 अप्रैल 1937 को ये अधिनियम दोस्तों लागू होता है। दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ये घोषणा की थी कि उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है, और भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की दिशा में इस अधिनियम को मील का पत्थर माना जाता है। यह अधिनियम बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही लंबा है, जिसमें 321 धाराएं हैं तथा 10 अनुसूचियां इसमें हैं। तो दूसरा पॉइंट ये होगा हमारा, यह बहुत ही विस्तृत और लंबा दस्तावेज है, बहुत ही विस्तृत और लंबा दस्तावेज है जिसमें 321 धाराओं को दोस्तों हम अनुच्छेद कह सकते हैं, यानी कि 321 तो इसमें अनुच्छेद हो गए और 12 इसमें 10 इसमें क्या है, अनुसूचियां। दस अनुसूचियां हैं इसमें और 321 धाराएं हैं। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम एक विस्तृत तथा लंबा दस्तावेज है जिसमें 321 धाराएं यानी कि 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। यह 1 अप्रैल 1937 को यह अधिनियम लागू होता है। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास करती है, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत शामिल हो सके, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र शामिल हो सके और देसी रियासतें जितनी भी थी वो उसमें शामिल हो सके। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र चीफ कमिश्नरी क्षेत्र तथा देसी रियासतों को मिलाकर, देसी रियासतों को मिलाकर ब्रिटिश सरकार ये कोशिश करती है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो सके। अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो सके, लेकिन दोस्तों देसी रियासतों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, इस पर रजामंदी नहीं की जाती है कि अखिल भारतीय संघ बने। इस कारण से अखिल भारतीय संघ का जो सपना था ब्रिटिश सरकार का, वो सपना ही रह जाता है, वो धरातल पर उतर नहीं पाता है। यानी कि अखिल भारतीय संघ देसी रियासतों के विरोध के कारण, इनकी असहमति के कारण इसका निर्माण नहीं हो पाता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार का प्रयास था कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो, लेकिन देसी रियासतों के असहमति के कारण अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये भी इस एक्ट के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था थी वो यथावत बनी रहती है, यानी केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल अभी भी बना रहता है, लेकिन 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की भी स्थापना इस अधिनियम के द्वारा कर दी जाती है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल बना रहता है, केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल बना रहता है, यानी कि दो सदनों वाला विधानमंडल बना रहता है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। लेकिन छह राज्यों में भी इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों छह प्रांतों में भी द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना कर दी जाती है, छह प्रांतों में भी द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना कर दी जाती है। अब वो छह प्रांत कौन कौन से हैं, ये हमारी चर्चा होनी चाहिए। उनमें दोस्तों छह प्रांतों का नाम बता देता हूँ मैं आपको, बंगाल है, बिहार है, बम्बई है, असम है, मद्रास है, इसके अलावा संयुक्त प्रांत है। तो इन छह प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना होती है, यानी कि बम्बई, यानी कि बंगाल, बम्बई, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत जिसे बाद में उत्तर प्रदेश कहा गया, संयुक्त प्रांत, बंबई, बंगाल, बंबई, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत तथा मद्रास। १९३५ के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बंबई, बंगाल, बंबई, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत तथा मद्रास, इन छह प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना हो जाती है। तो ये पहली बार हुआ था कि प्रांतों में भी द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया दोस्तों। इनमें से राजस्थान तथा भारत सरकार की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखना। इसके बाद में दोस्तों द्वैध शासन, द्वैध शासन 1919 के अधिनियम में मैंने आपको बताया कि द्वैध शासन प्रांतों में लागू कर दिया गया था और प्रांतों के समस्त जो विषय थे उनको आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया था। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू कर दी जाती है और केंद्र की जितने भी विषय है उनको आरक्षित तथा हस्तांतरित में विभक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से केंद्र में प्रांतों की तर्ज पर, यानी प्रांतों से हटाकर द्वैध शासन की व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी जाती है। तो द्वैध शासन की व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी जाती है, केंद्र में लागू कर दी जाती है और प्रांतों में ये द्वैध शासन की व्यवस्था दोस्तों क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। समस्त विषय जो है उनको आरक्षित तथा हस्तांतरित में वर्गीकृत किया जाता है। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर व उसकी कार्यकारी परिषद के हाथ में रहता है, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन आरक्षित विषयों का प्रशासन दोस्तों वायसराय तथा उसकी कार्यकारी परिषद के हाथ में रहता है, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन वायसराय तथा उसकी विधानमंडल के हाथ में रहते हैं। यानी कि इनका प्रशासन वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद करेगी और इनका प्रशासन हस्तांतरित का प्रशासन वायसराय और उसका विधानमंडल करेगा। यानी कि ये एक प्रकार से उत्तरदायी शासन की दिशा में एक कदम हो गया केंद्र में, क्योंकि विधानमंडल किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, जिन लोगों ने उनको चुना है उनके प्रति उत्तरदायी रहेगा। तो एक प्रकार से उत्तरदायी शासन की केंद्र में शुरुआत हो गई थी। उत्तरदायी शासन की जैसे हमने जिक्र किया है, उत्तरदायी शासन की दिशा में 1935 का अधिनियम एक मील का पत्थर माना जाता है, तो उसी कड़ी में ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा, तो जगह चाहिए होगी इसको मैं हटाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं हम।
1 अप्रैल 1937 को यह अधिनियम लागू होता है दोस्तों। ये एक विस्तृत तथा लंबा दस्तावेज जिसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां इसमें शामिल थी। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा, लेकिन देशी रियासतों की विरोध या असहमति के कारण नहीं बन पाता है। और प्रांतों में, 6 प्रांतों में बंबई, बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत तथा असम में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की जाती है। और क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा दोस्तों प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है, प्रांतों को स्वायत्तता यानी ऑटोनोमी दी जाती है, प्रांतों को स्वायत्तता दी जाती है, स्वायत्तता दी जाती है, और उनमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है। लेकिन ये उत्तरदायी शासन दोस्तों 1939 में समाप्त हो जाता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक जो कि 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था, उसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता देते हुए उनमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाती है। लेकिन ये प्रांतीय स्वायत्तता और उत्तरदायी शासन 1939 में समाप्त हो जाता है। ये पॉइंट भी हम ध्यान में रख सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। 3 अनुसूचियां बनाई जाती हैं, संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र तथा प्रांतों के मध्य 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है, शक्तियों का विभाजन किया जाता है। 3 सूचियां कौन कौन सी है, संघीय सूची, 3 सूचियां बनाकर केंद्र व प्रांतों के मध्य या संघ व प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया जाता है। 3 सूचियां हैं दोस्तों, संघीय सूची, संघीय सूची, दूसरी प्रांतीय सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची संघीय सूची में दोस्तों 59 विषय होते हैं, इसमें 54 विषय होते हैं, 54 विषय प्रांतीय सूची में होते हैं और 36 विषय दोस्तों समवर्ती सूची में होते हैं। और अवशिष्ट जो विषय होते हैं, वो वायसराय के अधीन रहते हैं, अवशिष्ट विषय वायसराय के अधीन रहते हैं। अवशिष्ट विषय से तात्पर्य ये है कि ऐसे विषय जो कि न तो संघ सूची में है, न प्रांतीय सूची में है, न समवर्ती सूची में है, ऐसे विषय क्या कहलाएंगे, अवशिष्ट विषय कहलाएंगे। और ये अवशिष्ट विषय वायसराय के अधीन रहते थे। तो 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया जाता है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद में दोस्तों 1919 के भारत शासन अधिनियम में हमने पढ़ा था कि वहां पर इंपीरियल लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है, जो कि वर्तमान में यूपीएससी के तुल्य संस्था है, यानी कि वर्तमान में जो हम यूपीएससी देखते हैं उसी के तुल्य संस्था थी, कौन सी, इंपीरियल लोक सेवा आयोग। लेकिन अब राज्यों में यानी कि प्रांतों में भी प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होता है 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा इंपीरियल लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग, तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग जिसको जेपीएससी बोलते हैं ना दोस्तों, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, इनका भी गठन होता है। यानी कि इंपीरियल लोक सेवा आयोग तो ही सही, इंपीरियल लोक सेवा आयोग का गठन तो हो गई सही, उसके साथ साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन इस अधिनियम के द्वारा होता है। ये बात भी हमें जरूर ध्यान में होनी चाहिए।
उसके बाद में इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों आरबीआई की स्थापना की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी अधिनियम के द्वारा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रख सकते हो क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में था, उच्चतम न्यायालय न्यायालय जो कलकत्ता में था उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा उसका नाम दोस्तों संघीय न्यायालय रखा जाता है, संघीय न्यायालय रखा जाता है, संघीय न्यायालय इसका नाम रखा जाता है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और छह अन्य न्यायाधीश होते हैं, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा छह अन्य न्यायाधीश होते हैं। और पहला जो मुख्य न्यायाधीश बनता है दोस्तों उसका नाम था सर मॉरिस ग्वायर, सर मॉरिस ग्वायर। अब एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछता हूँ, ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी और कहाँ पर हुई थी सर्वप्रथम, और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, शुरुआती लेक्चर में ही मैं इसको कवर कर चुका हूँ, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय का निर्माण किस एक्ट के तहत हुआ और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका मैंने बता दिया दोस्तों संघीय न्यायालय, यानी कि हम कह सकते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उच्चतम न्यायालय कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट या स्थानांतरित किया जाता है तथा उसका नाम उच्चतम न्यायालय के स्थान पर संघीय न्यायालय रख दिया जाता है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा छह अन्य न्यायाधीश होते हैं। और इसका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था सर मॉरिस ग्वायर, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। इसी अधिनियम के द्वारा लंदन में स्थित, इसी अधिनियम के द्वारा लंदन में स्थित भारत परिषद, समाप्त कर दी जाती है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लंदन में स्थित भारत परिषद समाप्त कर दी जाती है, इसका अंत कर दिया जाता है, ये पॉइंट भी जरूर ध्यान में रखने योग्य है। इसके अलावा दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम को, 1935 के भारत शासन अधिनियम को पेन चेंज कर लेता हूं मैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दास्ता का घोषणा पत्र कहा गया, दास्ता का घोषणा पत्र या फिर दास्ता का चार्टर कहा गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दास्ता का घोषणा पत्र तथा या फिर दास्ता का चार्टर कहा गया। जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के बाद में प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, तो उनके द्वारा इस एक्ट को, इस अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा गया तथा इसे अनेकों ब्रेक वाली ऐसी गाड़ी की संज्ञा दी गई जिसमें इंजन नहीं है, यानी कि ऐसी गाड़ी जिसमें अनेकों ब्रेक हैं तथा इंजन रहित है ऐसी गाड़ी की संज्ञा भी इसको, इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी जाती है। इस सारे पॉइंट दोस्तों हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में डिस्कस किए। मेरे ख्याल से जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में फायदा पहुँचेगी। इसके बाद में हम या तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम चर्चा करेंगे या फिर दोस्तों संविधान सभा की ओर
संविधान सभा या फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उन प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे। दोनों में से किसी की भी चर्चा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।